कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी हमीरपुर में पंचायती राज चुनावों की तैयारियों का खाका तैयार कर लिया है। हमीरपुर स्थित पार्टी कार्यालय वीर कमल में जिला भाजपा की बैठक में चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यतः पंचायती राज चुनावों के दृष्टिगत पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्षों से पंचायत चुनावों की तैयारियों व जिले में संगठन की मजबूती व एकजुटता को लेकर रणनीति तय की गई। इसके साथ ही विभिन्न जिम्मेदारियां भी पदाधिकारियों को सौंपी गई। आने वाले समय में जिले के 5 मंडलों में जिला अध्यक्ष की बैठकें तय की गई है। प्रमुख पदाधिकारियों को इन चुनावों के दृष्टिगत तय जिम्मेदारियों के तहत काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अध्यक्ष के अनुसार पार्टी ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब जिला संगठन की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्चुअल बैठकों के स्थान पर आमने सामने बैठकर सामान्य बैठकें करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी से बचने के लिए निहित सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य एहतियात बरतते हुए ये बैठकें होंगी। बैठक में महामंत्री हरीश शर्मा, कोषाध्यक्ष तेज प्रकाश चोपड़ा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष बन्याल, प्रवक्ता आदर्श कांत, कार्यालय सचिव गज्जन राम शर्मा, महिला मोर्चा बीना शर्मा, जिला सचिव आशा देवी एवं अनिल परमार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय रिंटू, आईटी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जग सिंह ठाकुर, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक रसील सिंह मनकोटिया, हमीरपुर मंडल के अध्यक्ष रमेश शर्मा, बड़सर मंडल के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनिल सोनी, सह प्रवक्ता विशाल पठानिया इत्यादि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला हमीरपुर की पहली बैठक जो जिसमें हमारे पदाधिकारी मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष सबको बुलाया था, क्योंकि मार्च में जब जिला का जब गठन हुआ है उसके बाद ये कोविड-19 कोरोना वायरस आने के कारण हम लोग सीधे नहीं मिल पाए, सीधी बैठक नहीं कर पाए। वैसे बीसी के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें हुई हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी रहे हैं कई बैठकों में, आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, आदरणीय ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन बैठकों में रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रहे हैं। ऐसी बैठकें तो हम 7 महीने से करते थे। आज की जो बैठक हमने बुलाई कि जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, जैसे उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, हमारा कोषाध्यक्ष है, ये हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं या मंडलों के 5 अध्यक्ष हैं, ताकि आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि आगे पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, उन पर चर्चा हम लोगों ने कर रहे हैं, करेंगे अब बैठे हैं अब इसके बाद। और इसके अलावा हमारा 5 मंडलों में जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे हर जगह जाना है, हर जगह बैठक करनी है, ताकि हमारा संगठन बूथ तक और गाँव तक जो पन्ना के प्रमुख हैं उन तक कैसे हम संपर्क करें और संगठन को और मजबूत करें, ताकि 2022 में फिर हमारी अपनी सरकार बने। उससे पहले हमारे पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, चाहे नगर परिषद का है, चाहे नगर पंचायत का है, चाहे पंचायतों के प्रधान उप प्रधान बीडीसी जिले पर बनने हैं, उसके लिए हमने इस बैठक में चर्चा की है, ताकि आगे हमारे अच्छे लोग पंचायतों में चुन के आएँ। इसी उद्देश्य से आज की हमने ये बैठक यहाँ पर रखी थी। मोदी जी का जल चलेगा, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है। मोदी जी की 100 स्कीमें ऐसी हैं जो गरीब आदमी अंतिम जो पिछड़ा लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिले, उसके लिए मोदी सरकार जी ने काम किया है। और मैं साथ में आदरणीय मोदी जी का एक धन्यवाद भी, आपकी बात आ गई, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो धूमल जी का सपना था, आदरणीय जो प्रेम कुमार धूमल जो हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी, उनका सपना था दौला सिद्ध प्रोजेक्ट, और मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और वो प्रयत्न माननीय हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी ने उसमें प्रयत्न करके जो हमारा पैसा यहाँ का दौला सिद्ध प्रोजेक्ट का सेंक्शन किया है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। अभी लूरी प्रोजेक्ट का भी 1800 करोड़ रुपये आया है, हॉर्टिकल्चर के लिए, निचले क्षेत्र के लिए, किसान बागवानी के लिए 1600 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। ऐसी करोड़ों योजना यहाँ पर भी लाभ मिला है, बिहार में तो मिल ही रहा है। सब लोग आए, उनके फोन आ गए, 5-7 लोग नहीं आए हैं, 2-3 मंडल अध्यक्ष नहीं आया, 2-3 उपाध्यक्ष नहीं आया, तो शादियाँ के कारण
कोई बीमारी के कारण और कोई दिल्ली गया है, कोई परिवार का लोग बीमार है, उसलिए आए, ऐसा कुछ नहीं। संविधान में ही है, जो तीन बैठकों में नहीं आते वो अपने आप ही, वैसे संविधान तो लिखा है पार्टी ने कि तीन मीटिंग जो नहीं आएगा वो अपने आप जाएगा, पर ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास। पार्टी भी सुनकर आप ये पार्टी मिलजुल के चलती है, संगठन है और सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें अच्छा संगठन है, पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा काम करेंगे और मजबूत करेंगे सब लोग मिलकर। अल्लाह तो जिला अध्यक्ष कुछ नहीं होता ना, पूरे लीडरों के सहयोग चाहिए, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी वर्कर्स का, तभी संगठन को मजबूत होता है।